कोरोना जैसे आपातकाल में सभी लोग एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी राज्य की बात क्यों ना हो। बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। जी हां, कटिहार फलका प्रखंड के पोठिया गांव के रहने वाले दिलीप और प्रदीप पिछले कई दिनों से लगातार गरीबों को राहत देने का काम कर रहे हैं। वो महिलाओं को रसोई में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जिससे वो अपना पेट भर सके। जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा दे रहे हैं। इन दोनों युवकों के काम की सराहना बरारी के विधायक नीरज यादव ने भी की है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम की रिपोर्ट। बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं और हम दोनों का बचपन से ही एक ऐसा स्वभाव था कि हम सोशल वर्क, समाज सेवा के प्रति हम लोग जागरूक थे। तो वो जागरूकता हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, हम लोग बढ़ते गए तो वो मैच्योर होते गया और जागरूकता भी एक बड़ा रूप लिया और ये दोस्ती हमारा मिसाल है। समाज में, अपने गाँव में है कि ईश्वर ने कहा है कि दीन दुखी असहाय बेबस लोगों के बीच में जाके सेवा करो, यही सच्ची सेवा है। और जैसे लॉकडाउन हुआ, महामारी आया तो अचानक काम काज बंद हो गया, तो हमारे दिल में एक आया और हम दोस्तों ने शेयर किया, पत्नियों से शेयर किया, तो सबका सहयोग के साथ बोला क्यों न ऐसे घर में कुछ भोजन पहुंचाए ताकि वो भूखा ना सोए, यही हम दोनों का लक्ष्य था। बचपन से ही एक है क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, गरीबी क्या चीज़ होता है। तो जब मेरे पास कुछ सक्षम हुआ, मैं दो पैसा कमाने लगा और मुझे लगा कि मैं अपने पैसे से परिवार का परवरिश करके कुछ पैसे मैं ऐसे लोगों को पहुंचाऊं जिसको दिक्कत है। तो इसलिए मेरे बचपन से जिस चीज़ को मैंने झेला है और मैं नहीं सोचता है कि वो दुख आज कोई परिवार, उनको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और सैल्यूट भी करते हैं। इस विपदा की घड़ी में लोग सब चीज़ों को भूलकर लोगों की सेवा में, मानवता की सेवा में आगे आए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि जब जब इस समाज में संकट आया है तो हम लोग मिलकर इस विपदा की घड़ी में कोरोना से लड़ेंगे। और हमको ये विश्वास है सबों के सहयोग से, चाहे युवा हों, किसान हों या जो सक्षम लोग हैं समाज में, जो लोग, चाहे हमारे पत्रकार भाई हैं, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कोरोना से हम लोग इस लड़ाई में हमको निश्चित जीत मिलेगी, ये हमको पक्का विश्वास है। एक बार फिर से उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं जो समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम की रिपोर्ट।